गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं 5.2 प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, आप अच्छे से इसको देख लीजिए और मैं इसके कुछ क्वेश्चन आपको पीडीएफ के थ्रू भी भेज दूंगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, इसमें फर्स्ट क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है विदाउट एक्सपेंडिंग, किसके थ्रू बोल रखा है उसने, उसने बोल रखा है विदाउट एक्सपेंडिंग, मतलब एक्सपेंड नहीं करना है, विदाउट एक्सपेंडिंग के थ्रू आपको सॉल्व करना है। अब इसमें क्वेश्चन है कि 1 a b + c, 1 b c + a, 1 c a + b। ठीक है, अब इस वैल्यू में देखो सबसे फर्स्ट इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे। इसमें पहली प्रॉपर्टी हम ये यूज करेंगे कि इसके साथ यदि हम c3 के साथ c3 + c2 करा तो वैल्यू कितनी आ गई, 1 1 1, a b c a + b + c, c + a + b, a + b + c। ठीक है, अब इसमें से इसको क्या करा है हमने, ये पूरी वैल्यू में से इसको कॉमन निकाला है, तो हम लिख सकते हैं टेकिंग कॉमन a + b + c फ्रॉम c3। तो ये आ गया a + b + c को हमने कॉमन निकाला, 1 1 1, a b c, 1 1 1। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है जो आइडेंटिकल प्रूव हो रही है ना, मतलब सेम एलिमेंट यूज हो रहा है, आइडेंटिकल प्रूव हो रही है, तो a + b + c (0) = कितना आ गया है, 0 के पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो ये इस टाइप से विदाउट एक्सपेंडिंग, मतलब आपको एक्सपेंड नहीं करना है, उसके थ्रू आपको वैल्यू को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये वाले क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, यदि आपको लिखा जाए क्वेश्चन में कि यूजिंग प्रॉपर्टी, किसके थ्रू लिखा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है यूजिंग प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी के थ्रू किसी वैल्यू को सॉल्व करो, तो क्वेश्चन कैसा है, जैसे एक्स 5x + 4y, 10x + 8y, एक्स 4x, 8x, एक्स 2x, 3x, और आपको इक्वल में क्या प्रूव करना है, एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी ऐसा करो जिससे कि आपका फॉर्म क्या हो जाए, इजीली सॉल्व हो गया, इस टाइप से आप ऑपरेट कर सकते हो। पहली प्रॉपर्टी लगाओगे R2 में चेंज R2 - 4R1, फिर R3 में चेंज R3 - 2R2। अब इस फॉर्म में देखो R2 में इसलिए लगाया कि 4 आ रहा है ना वैल्यू में, अब किस टाइप से सॉल्व हो रही है इसकी वैल्यू अच्छे से देख लेना। ये हो गई आपके पास इधर 5x + 4y, यहाँ पर -4 का इंटू किया, ये हो गया -4x, 5x में से 4x गए तो वैल्यू कितनी बची है आपके पास, ये बची है आपके पास 4x + 4y। ठीक है, यहाँ 4 का इंटू करा तो 0 हो जाएगा, हो गया ना वैल्यू में। अब आगे ही फॉर्म में देखो आपने, नहीं आप किस में कर रहे हो, R2 में चेंज कर रहे हो, तो फिर R1 में कुछ भी चेंज मत करो, यदि R2 में कर रहे हो ना तो R1 में कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये चीज आप ध्यान रखिए, जैसा लिखा जाए वैसा ही अरेंजमेंट आप इजीली कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन में एक चीज चेंज हो गई है, यहाँ पर ध्यान रखना मैंने गलती से y नहीं लिखा है, तो ये x + y की कैटेगरी ही दे रखी हुई है। ठीक, तो ये आ गया x + y, x और x एज इट इज, यहाँ पर R2 में चेंज कर रहे, 5x में से 4x गया तो वैल्यू कितनी बचेगी, कैसे अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग आप वैल्यू कर रहे हो, R2 में चेंज कर रहे हो ना, R2 हो गई है 5x + 4y, यहाँ R1 में मल्टीप्लाई करा, माइनस का 4x हो गया, किसका हो गया, माइनस का कितना हो जाएगा, ये 4x हो गया और ये हो गया है माइनस का 4y, ये वैल्यू आ गई है। अब 5x में से आपके पास क्या गया है, 4x गया तो वैल्यू कितनी बची, x, ये 4y से 4y कैंसल हो जाएगा। सेकेंड फॉर्म में देखो 4x में से, ये 4x है ना, R2 में चेंज करे, 4x में से 4x गया तो कितना आ गया, 0x हो गया। अब 2x में से यदि मैं 4x को सबट्रैक करती हूँ, 2x में से 4x को सबट्रैक करती हूँ तो माइनस का 2x हो जाएगा। इस टाइप से R3 में चेंज कराए, R3 - 2R2 की कंडीशन यूज करीजिए। तो इस फॉर्म में आप अच्छे से देख लीजिए वैल्यू का अरेंजमेंट आप किस फॉर्म से अरेंज कर रहे हैं।
अब इसमें ये वाला फॉर्म देखो, इस वैल्यू को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो कैसा अरेंजमेंट होगा, किस में कर रहे हैं, आर थ्री में चेंज कर रहे हैं। ये आ गया टेन एक्स प्लस एट वाई, ठीक है। अब ये हो गया टेन एक्स प्लस एट वाई की कैटेगरी आ गई है। यदि इस फॉर्म में से देखना, वैल्यू के फॉर्म में, इनमें यदि टू आर टू करा तो ये आ गया है टेन एक्स माइनस का एट वाई, तो ये टर्म इससे और ये टर्म इससे कैंसल हो गया, आंसर कितना आ गया, जीरो आ गया। अब एट में से एट गया तो कितना आ जाएगा, जीरो की कैटेगरी आ गई है। ये हो गया है थ्री एक्स, थ्री एक्स में से फोर एक्स गया तो वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस एक्स की कैटेगरी के फॉर्म को ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रखा है। अब आप इसमें से भी क्या कर सकते हो, टेकिंग कॉमन ले सकते हो। यदि आप कॉमन नहीं लेना चाहे तो आप वैल्यू का क्या अरेंजमेंट कर सकते हैं, इसको एक्सपेंड कर सकते हो। यदि आप इसको एक्सपेंड कर रहे हो तो एक्सपेंड किसके अलाउ करो, आर थ्री के अलाउ करो। आप यहाँ पर इस टाइप से भी लिख सकते हो, एक्सपेंडिंग, एक्सपेंडिंग किसके अलाउ कर रहे हो, आर थ्री के अलाउ कर रहे हो। आर थ्री में दोनों टर्म क्या हो गई, आपके पास जीरो के पार्ट को रिप्रेजेंट बची, वैल्यू कितनी बची है, माइनस एक्स, बचेगा एक्स प्लस वाई, एक्स एक्स जीरो। अब माइनस एक्स जीरो माइनस का एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू कितनी आ गई है, एक्स क्यूब के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखा है। तो इस टाइप से आप प्रॉपर्टी के क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखना है। विदाउट एक्सपेंडिंग है मतलब आपको एक्सपेंड नहीं करना है। विदाउट एक्सपेंडिंग का मतलब होता है जितनी टेन प्रॉपर्टीज बताई है ना, सब उसी के अंदर इंक्लूड होना चाहिए, उसके अलावा आपके पास कोई भी वैल्यू नहीं बननी चाहिए, ठीक है। अब ये तो है प्रॉपर्टी, देखा जाए तो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रॉपर्टी के बेस से ही क्वेश्चन एक न एक तो एग्जाम में क्या करते हैं, पूछे जाते हैं। तो ये नहीं कहती हूँ कि कौन सा पूछा जाएगा, हाँ पर प्रॉपर्टी के बेस पे यदि क्वेश्चन को बोला जाए तो ये आप ध्यान रखिए कि इसमें से पूछा जा सकता है, ठीक है। अब मैं आपको इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ प्रॉपर्टी का। ये दे रखा है कि a प्लस बी प्लस टू सी, ए बी, ठीक है, सी बी प्लस सी प्लस टू ए बी। ये दे रखा है सी ए, सी प्लस ए प्लस टू बी। आपको इसमें क्या प्रूव करना है, ये करना है टू ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये आपको इसके अंदर प्रूव करना है। अब इसमें आप ऐसी प्रॉपर्टी लगाए जिससे आपकी वैल्यू का अरेंजमेंट इजीली हो जाए। अब देखो ये टू सी है, यदि मैं सी टू और सी थ्री एड करती हूँ तो टू ए और कितना हो जाएगा, टू बी की कैटेगरी यहाँ पर रिप्रेजेंट होगी। तो सी वन में ऑपरेट करूंगी, सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, इसको एड किया तो टू ए, इसको एड किया तो टू, टू ए प्लस बी प्लस सी बचेगा, इनको टू सी टू बी, टू ए प्लस बी प्लस सी बचेगा, ये भी टू ए प्लस बी प्लस सी बच रहा है, ये वैल्यू ए, बी प्लस सी प्लस टू ए, ए बी बी सी प्लस ए प्लस टू बी। अब इसमें से आप क्या करो, टेकिंग कॉमन निकालो, किसका निकालोगे, तो आप यहाँ पर टू ए प्लस बी प्लस सी को आपने कॉमन निकाला, वन 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 ए बी प्लस सी प्लस टू ए, बी बी सी प्लस ए प्लस टू बी। यहाँ पर प्रॉपर्टी लिख दीजिए कि क्या करा आपने, टैग टू ए प्लस बी प्लस सी आउट फ्रॉम किसके थ्रू बोल रखा है, सी वन के फ्रॉम के रखा है, तो सी वन के फ्रॉम आपने वैल्यू निकाल दिए। अब इसमें सेकेंड ऑपरेट कर सकते हैं, वैल्यू किसमें यूज कर रही हूँ, मुझे चाहिए इसको जीरो करो, मुझे चाहिए इसको भी जीरो करना है, तो मैं सी टू में चेंज करूंगी, सी टू माइनस ए सी वन, सी थ्री में चेंज करूंगी, सी थ्री माइनस बी सी वन, ठीक है। अब इस वैल्यू में देख लेना, टू ए प्लस बी प्लस सी तो कॉमन निकाल लिया, वन वन वन, ए माइनस ए कितना हो गया है, जीरो आ गया, बी माइनस बी कितना हो जाएगा, जीरो के पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ये वैल्यू बची वन, बी प्लस सी प्लस कितने बच रहा है, ये ए बच रही है, ठीक है। अब इसको करोगे तो वैल्यू जीरो आ गई, ये जीरो आ गई, ए प्लस बी प्लस सी। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर दो, नहीं तो कॉमन निकाल लो, दोनों में से जैसे यहाँ लिखा है। अब मैं इसको क्या करूंगी, एक्सपेंड करूंगी, किसके अलाउ कर रही हूँ, आर वन के अलाउ, आर वन के अलाउ कर रही हूँ, तो वन बचेगा,
इसका इंटू डायरेक्ट इसमें हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये बाहर कितना बच रहा है 2a प्लस बी प्लस सी, तो आ गया 2a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो जो आपको प्रूव करना था ये वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई है, सेटिस्फाई हो गई है। ये चीज आपको अच्छे से इसमें क्या करना है, ध्यान रखना है। अब देखा जाए तो क्वेश्चन तो बहुत सारे इसमें इस टाइप के मिलेंगे, प्रॉपर्टी है ना, तो प्रॉपर्टी के क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं। आप जितना करो उतने ही कम क्वेश्चन यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। अब मैं इसमें एक और क्वेश्चन आपको बताती हूँ कि आप किस टाइप से यूज करूंगी। बाकी मैं आपको क्वेश्चन तो भेजूंगी, आप ट्राई भी करते जाना क्वेश्चनों को, ठीक है। अब इसमें क्या है, अगला क्वेश्चन भी है तो यूजिंग प्रॉपर्टी है, पर इसमें भी अभी क्वेश्चन का फॉर्म हल्का सा चेंज कर दे, मतलब इसमें ये कर दे कि एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन सुन लीजिए, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन बोल रखी, फॉलोइंग इक्वेशन एक्स प्लस टू, एक्स प्लस सिक्स, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस सिक्स, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस टू, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू कितना आ गया, जीरो के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखा है। इसमें ऐसी प्रॉपर्टी लगाएंगे कि कुछ ना कुछ, कोई ना कोई चीज तो इसमें से क्या निकलेगी, कॉमन निकलेगी। तो मैं लगा देती हूँ आर वन में चेंज, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री लगा दी, ये हो गया थ्री एक्स, ठीक है। सिक्स और टू एट, एट में से बन गया तो कितना बचेगा सेवन, ये आ गया थ्री एक्स, ये भी कितना बच रहा है सेवन, ये भी कितना बच रहा है थ्री एक्स प्लस सेवन, ये हो गया एक्स प्लस सिक्स, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस टू, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, टेकिंग कॉमन थ्री एक्स प्लस सेवन फ्रॉम सी आर वन, ठीक है। ये आर वन के थ्रू आपने कॉमन निकाल दिया, वन वन वन, एक्स प्लस सिक्स, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस टू, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू कितना आ गया, जीरो के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखा है। अब इसमें प्रॉपर्टी और लगा सकते हो, C2 में चेंज करा C2 माइनस C1, C3 में चेंज किया C3 माइनस C1 की कैटेगरी आ गई, तो यहाँ वैल्यू आ गई वन, एक्स प्लस सिक्स, एक्स माइनस वन, ये तो जीरो हो गया, ये भी जीरो आ गया, ठीक है। अब इन वैल्यू का अरेंजमेंट देखो, इसमें कितना बच रहा है, ये तो हो जाएगा माइनस का सेवन, ठीक। आगे वाली वैल्यू कितनी आपके पास रिप्रेजेंट करेगी, थ्री के पार्ट को रिप्रेजेंट करेगी। अब एक से एक्स तो कैंसल हो रहा है तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस फोर और इसकी सेवन इक्वल टू जीरो। अब आप इसको भी क्या कर दो, एक्सपेंड कर दो, इसके अलाव आर वन के अलाव, तो ये हो जाएगा वन, ठीक है। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन के पार्ट को रिप्रेजेंट करेगी, किसके पार्ट को रिप्रेजेंट करेगी, वन के पार्ट को रिप्रेजेंट करेगी। ये आपके पास कॉमन निकल रहा है थ्री एक्स प्लस सेवन, ठीक है। यहाँ वन करा, सेवन सेवन या माइनस के फोर्टी नाइन हो गए, प्लस के ट्वेल्व आ गए। थ्री एक्स प्लस सेवन इसका इंटू करा, नाइन में से टू गया तो कितना बचेगा सेवन, फोर में से वन गया तो थ्री माइनस के थर्टी सेवन इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू कितनी निकली, माइनस के सेवन बाय थ्री के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखा है। तो ये क्वेश्चन भी क्या होता है, आपके डिटर्मिनेंट के पार्ट को ही रिप्रेजेंट करता है, ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। अभी हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर क्वेश्चन तो बहुत सारे होते हैं ना, तो हम इसकी पीडीएफ भेजेंगे, आप इजीली सॉल्व कर लोगे। वन अल्फा बीटा गामा, ठीक है, वन बीटा गामा अल्फा, वन गामा अल्फा बीटा, आपको प्रूव करना है अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा। सबसे पहली प्रॉपर्टी, इसमें क्या लगा सकते हो जिससे आपकी इजीली वैल्यू निकल जाए या कुछ फॉर्म आप कॉमन निकाल सकते हो। अब आप हम चाहे तो वैल्यू का अरेंजमेंट करें, C2 में चेंज C2 माइनस C1, एक साथ थ्री इंटू थ्री ऑर्डर में दो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। इसी टाइप से हमने C3 में चेंज करा है, C3 माइनस C1 का पार्ट हो गया वन अल्फा बीटा गामा, ये तो जीरो हो गया, बीटा माइनस अल्फा, गामा गामा को तो आपने क्या करा, इसमें से कॉमन निकाल दिया, तो बचा है आपके पास अल्फा माइनस बीटा का फॉर्म रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है। अब अगला फॉर्म देखो, ये आ गया है जीरो, गामा माइनस बीटा, इन दोनों में से बीटा कॉमन निकाला, अल्फा माइनस गामा के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है। ये वैल्यू आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब इसमें से आप तो कॉमन निकाल सकते हो, अल्फा माइनस बीटा को कॉमन निकाला, ठीक है। अब अल्फा माइनस बीटा को कॉमन निकाल दिया आपने, अब
इस वैल्यू में क्या बच रहा है? इस वैल्यू में आपके पास यहाँ पे भी देखो गामा माइनस अल्फा बचेगा, ठीक है। इसमें भी आपने क्या कॉमन निकाला है, गामा माइनस अल्फा को कॉमन निकाल दिया। ये बचा वन अल्फा बीटा गामा, जीरो माइनस वन गामा, ये तो हो गया जीरो के पार्ट को, ये हो गया वन, ये हो गया माइनस का बीटा के फॉर्म में। अब आप सिंपल सा इसको एक्सपेंड कर दो, किसके अलाउंग करोगे, आर वन के अलाउंग एक्सपेंड कर दो। यदि आप आर वन के अलाउंग एक्सपेंड कर रहे हैं, अल्फा माइनस बीटा गामा माइनस अल्फा इसके थ्रू करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस के बीटा और माइनस के गामा। हो गया प्रूफ, मतलब आप सिंपल फॉर्म में दे सकते हैं कि एलएचएस किसके इक्वल हो गया है, आरएचएस के फॉर्म के इक्वल हो गया है। तो ये वाले जो क्वेश्चंस आपको मैंने बताए हैं प्रॉपर्टी के, तो ये प्रॉपर्टी के तो मैंने कुछ क्वेश्चन ही आपको बता रही हूँ, कुछ थोड़े से क्वेश्चन बता रही हूँ। आप चाहो तो प्रॉपर्टी के बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको पीडीएफ के थ्रू भेज सकती हूँ, आप सॉल्व कर सकते हो। आपको नहीं आए तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू बता सकते हो, तो मैं आगे इसको वो सॉल्व करके बता दूंगी, ठीक है। अब अगला जितना भी फॉर्म आएगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।